यो भाई लोग, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी लोग बहुत अच्छे होने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर मजे कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का एक टेक्निकल पॉइंट की भाई नई और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर दोस्तों। और यहाँ पर अपना जो भाई फ्रैंकलिन भावा इस टाइम वो जो अपनी लैम्बोर्गिनी जो भी यहाँ पर AK-47 है भाई, इसके ऊपर जो है भी बहुत ही भयंकर वाली एक्सरसाइज कर रहा है। अभी जिम में तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रखी थी, इसलिए आज हमने सोचा क्यों ना आज हम आउटसाइड थोड़ी सी यहाँ पर एक्सरसाइज करते हैं और आपको करके दिखाते हैं यहाँ पर हम एक्सरसाइज करते कैसे हैं। ठीक है दोस्तों, अब आप सभी लोग यहाँ पर माफिया साहब को तो जानते ही होंगे दोस्तों। और यहाँ पर जो मेरी ये लैम्बोर्गिनी है, इस सर्विस होने गई थी बिकॉज इसके अंदर कुछ दिक्कत वगैरह आ गई थी, तो सर्विस सेंटर से मैं इसको जो ले आया था। और यहाँ पर माफिया साहब ने मेरे को गोल्ड में जो गाड़ी गिफ्ट की थी वो भी तुम्हारे भाई के पास है। ठीक है दोस्तों, तो अभी देख लो भाई। एंड आज यहाँ पर मुझे माफिया साहब ने ही मिला बुलाया है। ठीक है, और आज माफिया साहब और मैं जाने वाले हैं एक टॉप सीक्रेट लोकेशन पर। ठीक है, जो कि एक बहुत ही भयंकर आइसलैंड होने वाला है दोस्तों। और उस आइसलैंड पर अब मैं लिटरली आपको क्या बताऊँ दोस्तों, क्या क्या होने वाला है। ठीक है, अभी सीधा जो हम उनके घर के लिए निकलने वाले हैं। तो चलो यार, एक्सरसाइज तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हो गई, तुम्हारे भाई ने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लिया। तो चलो फटाफट पहले माफिया साहब के यार घर चलते हैं और फिर वहाँ पर आपको ले जाकर मैं दिखाता हूँ, या फिर पता नहीं घर पर होंगे या फिर ऑफिस होंगे, जहां पर भी होंगे हम फोन पे बात करके उनसे जब पता कर लेते हो फिर उधर ही चलते हैं। चलो रे भैया, अपनी AK-47 में बैठो भाई। AK-47 चलाने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है यार अपनी। ठीक है, इस गाड़ी जैसा प्यार ना और इस गाड़ी जैसा लव भाई कोई सी भी गाड़ी दे सकती। ओ भैया जी, मरने का इरादा है क्या? कौन अपुन की गाड़ी के नीचे आके मरना चाहता है? अरे बाबा जल्दी बताओ रे अपुन को, कौन अपुन की गाड़ी के नीचे आकर मरना चाहता है? अरे भाई ऐसा तो देखो दोस्तों, यहाँ पर शहर में कोई भी नहीं है भाई जो अपनी गाड़ी के नीचे आकर मरना चाहेगा। बट हाँ, अगर किसी का शौक है कोई एक बहुत ही मोस्ट एक्सपेंसिव, मोस्ट लग्जरी, मोस्ट रिचेस्ट कार के नीचे आकर मरना चाहता है, देन हमें बताएं भाई। अगर चाहते हो तो हम तुम्हारी ये वाली इच्छा भी पूरी करने के लिए एकदम हर तरीके से, जैसे भी तुम बोलोगे उसी तरीके से भैया तैयार है। अब जैसे भी यहाँ पर भैया बंदे लोग बोलेंगे, ठीक है। और गाइज, यहाँ पर जो माफिया साहब है वो भाई अपने ऑफिस के अंदर ही, तो चलो हम फटाफट जो ऑफिस ही चलते हैं यार। उनके ऑफिस जो उनका ज़्यादा दूर नहीं है, ऑफिस जो है भाई पास में ही है। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा दूर ऑफिस नहीं है और बस यही ये वाली जो बिल्डिंग होने वाली है नदरी है दोस्तों। और यार इस वाली वीडियो पर मैं जो है 20,000 लाइक का एम करूंगा, इसलिए प्लीज़ लाइक एम को कंप्लीट करवाओ यार। आजकल मैं देख रहा हूँ भाई आप लाइक एम को कंप्लीट नहीं करवा रहे हो, पता नहीं भाई क्या कर रहे हो। तो भाई दोस्तों देखो यार, प्लीज़ आपको लाइक एम तो देखो भाई कंप्लीट करवाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखो भाई तुम्हारे चक्करों में हम देखो यहाँ पर AK-47 को लेके हम यहाँ पर भी दोस्तों आ चुके, तो यार प्लीज़ यार लाइक एम को कंप्लीट करवाना। तो चलो हम यार लोकेशन पर अपनी आ गए हैं, तो चलो फटाफट माफिया साहब के पास चलते हैं भाई, वो जो अंदर ही होने वाले माफिया साहब, और देखते हैं कि माफिया साहब यहाँ पर जो अंदर कर के आ रहे हैं। हम उनकी जो मेज बैंक जो भी यहाँ पर इनका फ्लोर्स का जो ऑफिस है दोस्तों, हम यहाँ पर आ गए हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अंदर। लगता है यहाँ पर जो मैडम काम करती है आज वो मैडम नहीं आई है, और यहाँ पर माफिया साहब पता नहीं इधर होने वाले हैं, या मेरे ख्याल से तो माफिया साहब ना भाई अपने सामने चेयर पर बैठे होंगे। चलो दोस्तों उधर ही हम चलते हैं। और भाई यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वो रखा है, तो नहीं माफिया साहब सामने चेयर पर भी नहीं है मेरे ख्याल से, तो माफिया साहब अभी वॉशरूम वगैरह में ही गए हुए होंगे। चलो कोई बात नहीं, आने दो अभी माफिया साहब को, इतने हम यहाँ पर थोड़ा सा बैठते हैं। बैठ सकता हूँ क्या मैं यहाँ पर माफिया साहब की चेयर पर? नहीं भाई, इधर माफिया साहब की चेयर पर बैठ के भी मैं क्या करूँगा। ठीक है, हम अपना दोस्तों यहीं पर हम बैठते हैं। ठीक है, इतने माफिया साहब आते ना, इतने भाई फ्रैंकली यहाँ पर बैठ के जो वेट करता है उनका। और माफिया साहब के आने के बाद भाई हम जो यहाँ पर वो हमें बता रहे थे कि वो किस लोकेशन पर आज हमें लेकर जाने वाले हैं, उन्होंने बताया था कि तुम सीधा बस हमारे पास आ जाओ और हम आपको एक बहुत ही भयंकर लोकेशन पर लेकर जाने वाले हैं। अब दोस्तों माफिया साहब हमको कहाँ लेकर जाएंगे वो तो भाई वही बताने वाले हैं, चलो उनके आने का हम इंतजार करते हैं। यो गाइस, यहाँ पर जो भाई माफिया साहब आ गए, और भाई यहाँ पर माफिया साहब भाई जो है अपना बैठे यार आराम से, माफिया साहब पूरा चिल आउट यार यहाँ पर जो है मार रहे हैं माफिया साहब। ठीक है दोस्तों, और अब माफिया साहब ने दोस्तों हमें ये कहा है कि ये हमें एक टॉप सीक्रेट लोकेशन पर लेकर जाने वाले हैं आज दोस्तों। ठीक है, और आपने वो टॉप सीक्रेट लोकेशन मैं आपको बता भी दूं दोस्तों कौन सी होने वाली है। अब यहाँ पर आपको पता होगा एक जो आइसलैंड है माफिया साहब जो उस आइसलैंड को जो परचेज करने वाला है, अब दोस्तों वो कौन सा आइसलैंड होने वाला है मैं आपको अभी बता देता हूँ दोस्तों। आइसलैंड वो वाला होने वाला है, देखो जब आपने एक बार देखा होगा मैं एक जगह ऑडी मैनी फ्रैंकलिन नहीं गया था, माइकल दादा गए थे, माइकल दादा एक जगह अपने येलो वाले ट्रक के अंदर ऑडी R8 को देने गए थे डिलीवरी के लिए। वहाँ का जो मालिक है उससे जो माफिया साहब है वो प्रॉपर्टी को जो दोस्तों जो है परचेज करने वाले हैं। ठीक है, और आपको पता होगा दोस्तों कौन सी प्रॉपर्टी की मैं आप सभी लोगों से यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ, मैं उसी प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, उसी आइसलैंड की बात कर रहा हूँ जिस आइसलैंड के दोस्तों हर चीज़ है, हर चीज़ है। ठीक है, और माफिया साहब जो है हमारे भैया बहुत ज़्यादा अमीर बंदे हैं। ठीक है, और इन्होंने कहा कि मुझे बहुत
बहुत ही भयंकर सी भैया प्रॉपर्टी परचेज करनी है। तो दोस्तों ये बहुत ही भयंकर प्रॉपर्टी होने वाली है और माफिया साहब में और हम दोनों जो दोस्तों उधर ही जाने वाले हैं, ठीक है। और बेसिकली मैं अपनी लैम्बोर्गिनी नहीं लेकर जाने वाला हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि लैम्बोर्गिनी वहाँ के लिए ऑफ रोडिंग के लिए ज़्यादा बेहतरीन नहीं होने वाली। माफिया साहब से बोलता है कि कौन सी गाड़ी मंगवाते हैं और हम उसी गाड़ी के अंदर दोस्तों वहाँ पर जो जाएंगे। और माफिया साहब जो है भाई आज एक बहुत ही बड़ी प्रॉपर्टी परचेज करने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलिए यहाँ से माफिया साहब को थोड़ा सा यहाँ पर काम है वो करने के बाद फिर सीधा हम ऑफिस से यहाँ से एग्जिट मार। चलिए माफिया साहब आ जाइए जल्दी आइए गाड़ी के अंदर बैठ जाइए। तो दोस्तों हम जाने वाले अभी माफिया साहब के हम घर पर जाने वाले, ठीक है भाई। माफिया साहब हमें जो अपने घर पर लेकर जाने वाले हैं, ठीक है। और दोस्तों वो जो लोकेशन है भाई बहुत ही ज़्यादा दूर है यहाँ से, बहुत ज़्यादा दूर है। और दोस्तों प्रॉपर्टी भी ना बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, ठीक है। अब माइका यहाँ पर इन्होंने अपना वो तो बना लिया कि फैसला तो कर लिया और मूड भी बना लिया कि इनको वाली जो है प्रॉपर्टी जो है परचेज करनी है। खैर जब मैं माफिया साहब के साथ होता हूँ तो मैं भाई किसी भी चीज़ की यहाँ पर जो है टेंशन नहीं लेता हूँ और किसी भी चीज़ के बारे में सोचता हूँ। जैसे कि यहाँ पर तुम्हारे भाई ने देखा कि गाड़ी वगैरह ठोक दी यहाँ पर, तो भाई ठोकने की ज़्यादा वो तो देखो करनी नहीं है क्योंकि अब जब हमें पता है कि माफिया साहब हैं हमारे साथ तो हमें टेंशन लेने की भाई ज़रा सी भी ज़रूरत नहीं है, ज़रा सी भी ज़रूरत नहीं है हमें टेंशन लेने की। तो दोस्तों हम करें तो करें क्या, ठीक है। चलो फटाफट चलो 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 चलो। और गाइज हम सीधा पहुँचने वाले हैं माफिया साहब के हाउस, और माफिया साहब के हाउस पहुँचने के बाद तुम्हारा भाई बहुत ही भयंकर चीज़ यहाँ पर होने वाली। तो चलो यार फटाफट जल्दी चलो बैक करो, जल्दी निकालो गाड़ी को, बस किसी तरह भाई यहाँ से निकालनी है। और हम माफिया साहब के घर पहुँचने वाले हैं, वहाँ से हम एक एसयूवी के अंदर दोस्तों बैठकर जाएंगे। और एसयूवी के अंदर बैठकर जाने के बाद मैं तो अपनी गाड़ी को भाई रोड पर ही जो है खड़ी करने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं सोच रहा हूँ ना उसको रोड पर ही खड़ी कर दूंगा, क्योंकि भाई एक तो पहले बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है, अब मैं नहीं चाहता कि माफिया साहब का घर भी ख़राब हो, ठीक है, अपनी लैम्बोर्गिनी से। चलो कोई बात नहीं भाई, हम अपनी गाड़ी को ना पीछे वाले दरवाजे में यहाँ पर ले जाकर जो खड़ी करेंगे, ठीक है। चलो तो यहाँ पर माफिया साहब के हम यहाँ पर जो है खड़ी कर देते हैं। और माफिया साहब की यहाँ पर जो रोल्स रॉयस खड़ी है, तो हम रोल्स रॉयस को जो दोस्तों लेकर जाने वाले हैं। और रोल्स रॉयस को हम क्यों लेकर जा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हम एक बहुत ही बड़ी लोकेशन पर जा रहे हैं, ठीक है। और फ्रेंकली अरे यार चाबी ले लेता उनसे, माफिया साहब पीछे बैठेंगे, हम इनके ड्राइवर बनने वाले हैं। चलो चलो बढ़िया, मैं अपनी जो AK-47 को दोस्तों यहीं पर छोड़कर जा रहा हूँ, ठीक है। और मैं माफिया साहब का यहाँ पर दोस्तों जो है जो बॉडीगार्ड कह लो या तुम कुछ भी कह सकते हो या फिर ड्राइवर कह लो, हम भाई वो बनकर जा रहे हैं, ठीक है। और हम जो वो प्रॉपर्टी परचेज करने वाले हैं, अब वो लाइट हाउस किधर है, इधर ये लाइट हाउस है ना दोस्तों, इधर ही किधर मेरे ख्याल से इधर किधर वो आइलैंड है। और हम दोस्तों उस वाले आइलैंड को जो परचेज करने वाले हैं। अब माफिया साहब के दिमाग में भाई पता नहीं मेरे को भी क्या खिचड़ी पक रही है, इन्होंने तो कहा कि मुझे वो आइलैंड चाहिए तो चाहिए, मैंने कहा ठीक है भाई ले लेना आप आइलैंड ले लो। तो इनको वो आइलैंड कुछ ज़्यादा ही मेरे ख्याल से भाई पसंद आ गया, इसीलिए वो ये उस आइलैंड के पीछे ना कुछ ज़्यादा एकदम पड़ गए कि मेरे को आइलैंड लेना है, तो बस वही वाला आइलैंड लेना है। तो मैंने कहा ठीक है वही वाला आइलैंड ले लो आप। तो गाइस इसी वजह से हम जो है वहाँ पर जा रहे हैं, ठीक है। चलो फटाफट चलो 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 चलो। तो दोस्तों हम फटाफट यार यहाँ से जो है उसी आइलैंड पर पहुँचने वाले हैं और जाकर देखते हैं कि आइलैंड पर दोस्तों एक ऐसी क्या चीज़ है और ऐसा क्या है जो कि हमने नहीं देखा, जो कि माफिया साहब ने देखा। और माफिया साहब को भाई देखते ही उस जगह से या फिर उस चीज़ से जो है भाई प्यार हो गया और कह रहे हैं कि तुम भाई नहीं समझोगे जो मेरे दिल में लोकेशन है और उस जगह को लेकर जो प्यार आया है, अब फ्रैंकली तुम नहीं समझोगे, मुझे ये ऐसे कह रहे हैं, ठीक है दोस्तों। चलो खैर कोई बात नहीं, अभी उनके जो मालिक है उन्होंने कहा है कि मैं एक घंटे में उस लोकेशन पर जो है पहुंचूंगा, यानी कि उनका जो मालिक है अभी उस जगह पर नहीं है। तो फिलहाल कोई बात नहीं, अभी माइकल दादा ने तो वो लोकेशन देख रखी है, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारे माफिया साहब है ये और मैं जा रहे हैं उस लोकेशन को देखने, अगर हमें बहुत अच्छे से गाइस पसंद आ जाती है ना तो आज ही हम भाई उसकी जो है कैश पेमेंट कर देंगे और आज ही हम भाई उसको जो है परचेज कर लेंगे अपने लिए, तो भाई सब कुछ अपना हो जाएगा दोस्तों। खैर मेरा नहीं होगा, माफिया साहब का ही हो जाएगा भाई सब कुछ। खैर जो माफिया साहब का है वो मेरा ही है। खैर दोस्तों मैं प्लान बनाने की सोच रहा हूँ, क्या मुझे ये जो माफिया साहब हैं अगर मैं इन्हीं का खून कर दूँ तो सब कुछ मेरा हो जाएगा। पर दोस्तों अभी मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये जो लोकेशन जो हम चीज़ यहाँ पर जो परचेज़ करने वाले हैं, पहले हम दोस्तों ये परचेज़ कर लेते हैं, उसी के बाद यहाँ पर मैं कुछ ऐसी प्लानिंग बनाने की जो दोस्तों सोचूंगा अभी, क्योंकि अभी तो मैं अपने दिमाग में ऐसा ख्यालात लेकर भी नहीं आ सकता दोस्तों। अगर अभी लेकर आया ना तो भाई अपने हाथ पल लेना दोस्तों, कसम से बता रहा हूँ भाई कुछ भी नहीं लगने वाला है। तो इससे अच्छा है अभी हम जो सीधा हम जो वर्क कर रहे हैं हम वही करते रहें, ठीक है। अभी तो सीधा हम जो है सबसे पहले उसी लोकेशन पर दोस्तों पहुँचने वाले हैं और यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं रह गई है वो लोकेशन दोस्तों, पास में ही है, ठीक है। यहाँ पर अपना एक क्लब हाउस है,
जो कि यहाँ पर फ्रैंकलिन ने बहुत दिन हो गए जब परचेज किया था। और रोल्स रॉयस भाई कितनी ज़्यादा डर्टी हो गई है, बहुत ज़्यादा डर्टी हो गई है रोल्स रॉयस। खैर कोई बात नहीं यार, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें तो होती ही रहती हैं। और बस हम यहाँ से हम लेंगे राइट टर्न, ठीक है, राइट टर्न सीधा यहाँ से जो है दोस्तों उसी लोकेशन की ओर जो है जाता है। और लोकेशन तो दोस्तों देखो, जब आप सभी लोग देखने वाले हो ना, आपको एकदम इनसेन लगने वाली है। और देखेंगे कि वो बंदे ने यहाँ पर कितने रुपए की जो है डिमांड करी है, ठीक है। और मुझे तो ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा पैसों की डिमांड करेगा, क्योंकि दोस्तों वो हर चीज़ देने वाला है हमारे इस लोकेशन के साथ, हर ही तो चीज़ देने वाला है, ठीक है। तो चलो यार फटाफट चल रहे हैं, चलो 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 चलो। अरे यार एकदम तो इतना बड़ा घेर लगा है इसके अंदर, चलो बढ़िया। तो गाइस हम उस लोकेशन पर भाई यहाँ पर पहुँच गए हैं। और ये जो है ऑटो एक्सटीरियर फिक्सिंग स्टेशन कुछ ऐसा सही है इसका नेम। और यहाँ पर बाहर बहुत ही बड़ी सी गाड़ी खड़ी है। अभी यहाँ पर हमारी रोल्स रॉयस आ रही है भाई, यहाँ के जितने भी वासियाँ हैं सब एक तरीके से वो हो जाए, सावधान हो जाए, हमारी रोल्स रॉयस आ रही है यहाँ पर। क्यों दोस्तों, अपनी रोल्स रॉयस तो आ ही रही है ना, अपनी रोल्स रॉयस तो आ ही रही है, और यहाँ पर हमारा बिगाड़ क्या लेगा भाई, अपनी रोल्स रॉयस तो बहुत ही अच्छे तरीके से चलेगी भाई यहाँ पर, और कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो चलो सबसे पहले तो मुझे लगता है ना अपनी रोल्स रॉयस को हमें यहाँ पर पार्किंग में लगा देनी चाहिए। जो हमारे यहाँ पर माफिया साहब है वो पधार रहे हैं। तो गाइस ये है यहाँ का पार्किंग, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इधर भी दोस्तों पार्किंग है, पर भाई यहाँ पर ना बहुत ही ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो चलो कोई बात नहीं, हमारी जो गाड़ी है हम अपनी यहाँ पर खड़ी कर देंगे गाड़ी को। तो यहाँ पर भी अगर मैं अपनी गाड़ी को खड़ी कर रहा हूँ ना तो सही है यार, तो पर मेरे ख्याल से अब हमें अपनी गाड़ी को ना यहाँ पर खड़ी करनी चाहिए, यहाँ पर कुछ ज़्यादा लोग हैं। अपना आराम से हम इस तरफ खड़ी करते हैं ना अपनी गाड़ी को, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए माफिया साहब उतरिए। तो आइए दोस्तों हम इस वाली लोकेशन पर घूमते हैं और भाई देखते हैं कि दोस्तों यहाँ पर क्या क्या होने वाला है। अभी सबसे पहले तो यहाँ पर अगर जगह की बात की जाए, ओ भाई आराम से, तो दोस्तों जगह तो बहुत ही अच्छी है यहाँ पर, लोग वाग बहुत ही सारे हैं यार और मज़े कर रहे हैं। मेरे ख्याल से दोस्तों यहाँ पर ना पार्टी वगैरह चल रही है जहाँ तक मुझे लगता है। हाँ भाई पार्टी वगैरह चल रही है। ओ माई गॉड यहाँ पर इनकी एक प्राइवेट यॉट भी है। तो माफिया साहब किधर है, माफिया साहब वेयर इज द माफिया साहब। भाई अबे ये क्या है, ये तो मैंने मिस्टर बीन की मूवी उसमें मिस्टर बीन के एपिसोड में देखा है। हेलो हेलो, अबे क्या है बे तू साले बेवकूफ़ बंदा, क्या है यार ये। तो चलो हम अपने माफिया साहब को देखते हैं, माफिया साहब किधर रह गए। माफिया साहब पानी में कूद रहे हैं क्या भाई, क्या कर रहे हैं पानी में कूद के, क्या कर रहे हैं। चलो हम नीचे चलते हैं दोस्तों, और नीचे जाकर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर जो दोस्तों यॉट्स वगैरह होने वाली है ना, और भाई यहाँ पर जो सब कुछ होने वाला है सब कुछ दोस्तों अपना ही होने वाला है। माई कल किधर है यार, मेरे ख्याल से मुझे तो लगा नीचे ही आए वो, मेरे ख्याल से मुझे लगा नीचे आए वो, पर वो ऊपर ही खड़े हैं भाई, वो ऊपर ही खड़े हैं। और मुझे लगा माफिया साहब यहाँ पर जो अपनी जान पहचान बढ़ा रहे हैं, चलो उनको बनाने दो, ठीक है। तब तक हम आपको जरा लोकेशन दिखाए दोस्तों। और यहाँ पर देखो भाई जितनी भी यॉट्स खड़ी है ना भाई, ये सारी की सारी यॉट्स ना अगर हम इसके पैसे देते हैं अच्छे खासे, तो सारी की सारी यॉट्स भी हमारी होने वाली हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक बिग यॉट भी खड़ी है भाई, जो कि मेरे को काफ़ी खूबसूरत लगी है। बिग यॉट मेरे को काफ़ी खूबसूरत दोस्तों यहाँ पर जो लगी है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगी है। प्लस लोकेशन के हिसाब से दोस्तों बहुत ही ज़्यादा भयंकर है, ठीक है। अब हम इसके टॉप एंड पे चलें क्या, चलो गाइज मैं आपको इसको टॉप एंड पर ले जाकर दिखाता हूँ ये कैसी है। अबे चल यार चल चल चल। तो गाइज काफ़ी अच्छी है, बट यहाँ पर अभी इसके अंदर जो लाइट वगैरह अभी नहीं जल रही है। खैर कोई बात नहीं, मेरे ख्याल से इसकी इलेक्ट्रिसिटी अभी जो है ऑन नहीं की गई, कैप्टन वगैरह नहीं है इसके अंदर, क्योंकि दोस्तों पेट्रोल भी लगता है और भाई बैटरी भी खर्च होती है, ठीक है। तो जब यहाँ पर कुछ पार्टी वगैरह होती होगी ना मेरे ख्याल से, तभी इस बोट का जो है यूज़ जो है किया जाता होगा। ओ भाई क्या हमने कितनी मस्त यहाँ पर दोस्तों छलांग लगाई, और छलांग लगाने के बाद दोस्तों मैं आपको बताऊँ ना यॉट भी बहुत अच्छी लग रही है। और गाइस हमें यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है, लेट मी शो यू, मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए हम दूसरी तरफ यहाँ पर चलते हैं, और अगर हमें ये लोकेशन मिल जाती है तो भाई माफिया साहब की जो पावर है ना वो भाई डबल होने वाली है। जी हाँ, माफिया साहब की पावर भी दोस्तों यहाँ पर डबल हो जाएगी, और भाई तुम्हारे भाई यहाँ पर फ्रैंकलिन की भी पावर जो है डबल हो जाएगी। फिर भाई शहर का कोई भी बंदा हमें जो है हाथ नहीं लगा सकता है, सच बता रहा हूँ, शहर का कोई भी बंदा फिर हमें यहाँ पर जो हाथ नहीं लगा सकता भाई। हर बंदा ना हाथ लगाओ तो सोचेगा भाई ये बहुत ही अमीर इंसान का हाथ है भाई इस बंदे के ऊपर, इसलिए कोई हाथ नहीं लगाएगा। अरे यार फ्रैंकलिन व्हाट आर यू डूइंग ब्रो,
कर क्या रहा है तू, सीधा सीधा ऊपर चलना, यहाँ पर नहा तो लिए दोस्तों, चलो अब ऊपर चलते हैं और मैं ऊपर ले जाकर आपको दोस्तों दिखाता हूँ और यहाँ पर क्या 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 चीजें। अरे यार फैंकल क्या हो गया, कौन से नशे की पुड़िया खाकर आए हैं, कौन से नशे की पुड़िया खाकर आए हैं भाई, तीन तीन बार ये नीचे गिर रहा है लौंडा। अरे फ्रैंकलिन बाबू कौन से नशे की पुड़िया खाकर आए हो, जरा हमें भी बताओ यार। पता नहीं यार कौन से नशे की पुड़िया खाकर आए। चल तो दोस्तों अपनी रोल्स रॉयस तो इधर ही खड़ी है अपना आराम से, ठीक है यार बहुत ही गंदी हो गई, पर आए तो हम रोल्स रॉयस में ही है ना, ठीक है। माफिया साहब को भी देखता हूँ किधर है, पर दोस्तों यहाँ पर बहुत ही सारी लग्जरी गाड़ियाँ भी खड़ी हैं यार, और मेरे ख्याल से यहाँ पर कुछ लोग वगैरह भी रहते हैं क्या। हाँ लोगों के घर वर तो है दोस्तों, घर तो है लोगों के, और यहाँ पर भी एक छोटा सा रेस्टोरेंट है मेरे ख्याल से। अभी फिलहाल ना चल नहीं रहा, यहाँ पर एक ही बंदा बैठा है, काफ़ी बॉडी बिल्डर टाइप का एक बंदा बैठा है यहाँ पर। चलो इससे पंगा लेना ठीक नहीं है। हाँ भाई क्या हो गया, चलो चलो। और यहाँ पर ये है दोस्तों, यहाँ पर मेरे ख्याल से घर वर नहीं है, ये शायद ये होटल रूम्स हो, ऐसा भी हो सकता है कि होटल रूम्स हो, ठीक है। और यहाँ से एक पुल बना रखा है छोटा सा, इस पार से उस पार जाने के लिए, जो भी यहाँ पर अपनी गाड़ियाँ खड़ी करते होंगे ना। यहाँ पर टेलीफोन बूथ है, जी हाँ यहाँ पर दोस्तों टेलीफोन बूथ है, जिससे कोई अपने घर परिवार वालों को जो फ़ोन कर सकता है, काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। एंड यहाँ पर कुछ लड़कियाँ वड़कियाँ, ठीक है। ओ माई गॉड यहाँ पर दोस्तों कुछ ऐसी लोकेशन भी है यहाँ पर, अब जैसे शहर के अंदर चल रहे हो आप, शहर के अंदर अब आपको हर चीज़ हर सुविधा अवेलेबल होती है ना, ऐसी आपको इस आइसलैंड पर भी अवेलेबल होगी। यहाँ पर देख लो भाई, फ्रूट्स वाला है, बर्गर वाला है, बास्केटबॉल है, और यहाँ पर चश्मे वश्मे सब कुछ दोस्तों मिलता है, सब कुछ। यहाँ पर एक मिनी बीच बना रखा है, आई मीन छोटा सा मिनी बीच बना रखा है, तो यहाँ पर आते हैं लोग और भाई मज़े करते हैं, क्या बात है यार। यहाँ पर लाइफ गार्ड वगैरह भी हैं जो कि यहाँ की वो करते हैं। देखो भाई इससे लड़ू क्या, ओ हमें कोई यहाँ पर कुछ नहीं कह सकता है दोस्तों, क्योंकि सबको पता है ना कि हम बहुत ही खतरनाक बंदे हैं, तो भाई यहाँ पर कोई भी कुछ नहीं कह सकता है हमें। अब माफिया साहब के साथ आकर ना भाई यहाँ पर बहुत ही हो जाती है। और दोस्तों यहाँ पर ना कुछ लोग आते हैं जो कि कैंपिंग भी करते हैं, तो मेरे ख्याल से ना ये जो लोकेशन है दोस्तों कैंपिंग करने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। जी हाँ ये लोकेशन दोस्तों कैंपिंग करने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, और मेरे को तो भाई देखो बहुत ही अच्छी लगी। यहाँ पर लोग कैंपिंग भी कर सकते हैं, तो अगर हमने ये आइलैंड खरीद लिया ना, हम यहाँ पर जो भी बंदे आएंगे उनसे बहुत ही अच्छा खासा किराया जो है वसूल कर सकते हैं, और जिस भी बंदे का आइलैंड है भाई वो तो हमें दे ही देगा यार, एकदम देगा, ठीक है। और चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर ये पार्किंग वाला सेक्शन है, यहाँ पर जो अपनी सैलानी वगैरह आकर अपनी जो गाड़ियाँ वगैरह खड़ी करते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। चलो यहाँ पर एक क्लब भी है दोस्तों अंदर, जो यहाँ पर क्लब बना रखा है, ठीक है। तो चलो क्लब के अंदर चलते हैं और देखते हैं क्लब के अंदर दोस्तों क्लब है कैसा, आई मीन क्लब एंट्रेंस है, तो चलो क्लब के अंदर चल रहे हैं। ओके अरे माफिया साहब अंदर क्या कर रहे हो आप, मैंने तो सोचा आप वहाँ बाहर हो। तो गाइज यहाँ पर माफिया साहब जो थोड़ी यार ड्रिंक व्रिंक करना है, तो भाई पियो। तो भाई बहुत ही सही है यार, यहाँ पर पीते पीते हैं लोग, और भाई यहाँ पर और भी बंदे हैं भाई, बहुत ही सही है दोस्तों। क्लब ना इस लोकेशन पर क्लब के हिसाब से बहुत बढ़िया बना रखी है भाई, बहुत ज़्यादा अच्छी बना रखी है, ठीक है। ये मेरे ख्याल से ये वाले जो रूम है वो होने वाले हैं। चलो बढ़िया मैं बाहर निकलता हूँ, तो माफिया साहब भी अपने साथ ही बाहर आ गए, ठीक है। तो चलो मैं अब इधर घूम के आता हूँ, आ जाओ जी माफिया साहब, ठीक है मैं इधर ही हूँ। तो गाइज़ यहाँ पर और भी चीज़ें हैं, मैं आपको दिखाऊं। मेरे ख्याल से तो ये तो सारे होटल्स वगैरह बना रखे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर किसी बंदे को कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो जाती है, लाइक जैसे कि हॉस्पिटल उसको एकदम इमरजेंसी हो गई जाना पड़ रहा है, तो यहाँ पर गाइज़ हॉस्पिटल है, मैं आपको दिखाऊं। यहाँ की पर्सनल एम्बुलेंस भी है प्लस हॉस्पिटल भी है, ये देखो जहाँ पर हमारे डॉक्टर साहब 24 आवर्स जो है अवेलेबल हैं। क्यों भाई डॉक्टर साहब आप हो ना 24 आवर अवेलेबल, और यहाँ पर जितनी भी दवाइयाँ ववाइयाँ सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। और अगर यहाँ पर कोई भाई गैर कानूनी काम कर रहा है तो उसके लिए यहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट भी है, ठीक है। हर चीज़ है दोस्तों यहाँ पर पुलिस ऑफिसर 24 घंटे अवेलेबल होते हैं, आप इनको कुछ भी काम बोलें एक मिनट में वही काम करेंगे भाई, ठीक है। और पुलिस स्टेशन भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा, आई मीन इतना भी बड़ा नहीं है, बस इस लोकेशन के हिसाब से बहुत ही बड़ा है, ठीक है। और यहाँ पर जो पुलिस वाले भाई उनके लिए ना एक यहाँ से एकदम इमरजेंसी जाने के लिए यहाँ पर हेलीकॉप्टर भी है पुलिस वालों का, जो कि भाई काफ़ी एकदम मेरे को ना बहुत ही सेफ सा लग रहा है, ठीक है। और दोस्तों जहां तक जितनी इस आइलैंड के अंदर सुविधा दे रखी है ना, आई मीन इस आइलैंड के ऊपर ना दोस्तों हर चीज है, आप यहां पर कुछ भी सोचोगे ना आपको वही चीज मिलेगी, टैक्सी स्टैंड है, हर चीज है, और इवन यहां पर एक पेट्रोल पंप भी है दोस्तों। जी हां यहां पर एक पेट्रोल पंप भी है, और मैं आपको पेट्रोल पंप दिखाता हूं दोस्तों कितना बड़ा पेट्रोल पंप है। वेट
यहाँ पर दोस्तों एक पेट्रोल पंप भी है, ये रहा। और दोस्तों पेट्रोल पंप ना बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। और एक ऊपर भी वहाँ पर हेलीकॉप्टर खड़ा है, दो दो तो यहाँ पर हेलीकॉप्टर ही खड़े हैं, ठीक है। और यहाँ पर पेट्रोल पंप गैस स्टेशन है, ठीक है। और यहाँ पे 247 जैसी ही एक दुकान है जिसके अंदर से आप खाने पीने का यहाँ पे कुछ भी सामान खरीदो भाई, जो तुम्हारा मन है ना आप वो यहाँ पर सामान खरीद सकते हो। यहाँ पर भैया अवेलेबल है 24 घंटे। तो भाई ये भी बहुत ही अच्छी जगह, और गाड़ियाँ भाई देख रहे हो, इनसेन गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो चलो दोस्तों माफिया साहब को बुलाते हैं और देखते हैं यार अब वो जो बंदा आने वाला है, यहाँ का जो मालिक है, अब देखते हैं वो हमें किधर मिलेगा दोस्तों, और हम डील करते हैं, देखते हैं अगर वो बेचना चाह रहा है, बेसिकली बेचना तो वो चाह रहा था तभी पता चला है, तो वो इस जगह के कितने पैसे मांग रहा है, ठीक है। फिर मैं आपसे पूछूंगा क्या मुझे इतने पैसे में जो जगह खरीदनी चाहिए या नहीं, आप प्लीज़ एक बार कॉमेंट करके बताना। तो चलिए माफिया साहब की बात चलते हैं और देखते हैं भाई वो बंदा अगर आ गया होगा तो चलिए बात करते हैं भाई वो बंदा कितने में इस लोकेशन को जो है बेचना चाह रहा है। सो गाइस ये हेलीकॉप्टर भाई बहुत ही ज़्यादा मेरे ख्याल से महंगा होने वाला है, बहुत महंगा है। और यहाँ पर बात रही इसका मालिक की, तो भाई वो मालिक जो है आ चुका है दोस्तों, वहाँ पर वो खड़ा है, ठीक है। और जो ये अपने जो माफिया साहब है भाई उससे जो है बात कर रहे हैं, और ये उसको कहना चाह रहे हैं कि भाई देख ले अगर तू इतने प्राइस में मांग रहा है, खैर ये जो है प्राइस को थोड़ा नेगोशिएबल कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि थोड़ा कम करवा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा रेट बता रहा है अभी। तो भाई माफिया साहब ने कहा कि तुम दूर चल जाओ, मैं बात कर लेता हूँ, तो मैं आपको दूर से एक बार दिखाऊँ। तो भाई ये उसका जो ये मालिक है दोस्तों उसका, ठीक है, ये बंदे की बता रहा है, और ये जो अपने माफिया साहब है इसको कन्वेंस कर रहे हैं कि भाई इतने में नहीं इतने में कर ले। तो दोस्तों देखते हैं यार माफिया साहब इसको अच्छे से भाई जो कन्वेंस कर पाते हैं नहीं, और आज की जो हमारी डील है दोस्तों कंप्लीट हो पाती है नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है दोस्तों डील जो है फाइनली कंप्लीट हो जाएगी, और मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई कोई एक ऐसा तरीका हो जो कि हम इसको जो है परचेस कर ले, क्योंकि दोस्तों अगर हम इसको परचेस कर लेते ना तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर वो होने वाली है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर हमको जो है दोस्तों पैसे मिलने वाले, ठीक है। तो चलो माफिया साहब को यहाँ पर जो भी प्राइस को नेगोशिएबल वगैरह है कर रहे हैं, ठीक है, चलो हम इनको करने देते हैं, और मैं इनका जो यार यहीं पर जो है वेट करता हूँ। अब इनको मनाने दो एक दूसरे को, कितना भाई मनाते हैं और कितने रुपये में यहाँ पर जो दोस्तों डील कंप्लीट होती है वो तो यहाँ पर अभी आपको पता चली जाएगा। फिर आप बताना कि हमें इस जगह को दोस्तों परचेज करना भी चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो गाइस हम यहाँ पर जो भाई जाने वाले हैं और हम उड़ने वाले हैं भाई अपनी लोकेशन पर, ठीक है। और यहाँ पर जो माफिया साहब बैठने वाले हैं भाई हेलीकॉप्टर के अंदर, और इस बंदे ने कहा कि तुम मेरा हेलीकॉप्टर यहां पर जो ले जाओ, तो भाई इसी बंदे के जो हेलीकॉप्टर में दोस्तों यहां पर जो बैठकर जा रहे हैं। बंदा वहां पर जो हमें वेव कर रहा है कि जाओ बाय बाय बाय, ठीक है। और हम अपनी रोल्स रॉयस जो दोस्तों यहीं पर खड़ी कर जा रहे हैं, इसने बहुत बंदा खुश हो गया, उसने कहा कोई बात नहीं आप मेरा हेलीकॉप्टर ले जाओ और बाद में वापस कर देना। मैंने कहा ठीक है गाइस, बंदा जो है नीचे खड़ा है बहुत ही बढ़िया, और हमने अपनी रोल्स रॉयस को तो भाई यहीं पर जो है छोड़ दिया है। बाकी दोस्तों अगर लोकेशन की बात करें तो काफ़ी भयंकर सी लोकेशन है दोस्तों, और जहाँ तक मुझे लगता है कि भाई मैं तो इस लोकेशन को दोस्तों परचेज करना ही चाहूँगा, किसी भी कीमत पर परचेज करना चाहूँगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बात बता दूँ, बात यहाँ पर क्या हुई है, जो यहाँ पर प्राइस दोस्तों मांगा गया वो है $400 मिलियन ये बंदा जो है मांग रहा था। तो इन्होंने क्या कहा, पहले जो हमारे माफिया साहब है इन्होंने सीधा कहा कि मैं तुम्हें दे सकता हूँ $350 मिलियन, ठीक है। उसने कहा नहीं 350 बहुत कम है, ज़रा भी नहीं मान रहा था दोस्तों, ज़रा सा भी नहीं मान रहा था, कहता नहीं 350 में तो मैं किसी भी कीमत पर आपको नहीं दूंगा, 350 में नहीं दूंगा। तो फिर लास्ट आता आता उसने कहा चलो $350 मिलियन दे देना, प्लस यहाँ पर मैंने को 50 मिलियन मत देना, सोना दे देना उसके बदले। तो इनके पास ना दोस्तों सोना बहुत ही सारा पड़ा है, तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं मैं तेरे को सोना दे दूंगा। दोस्तों यहाँ पर 30-40 मिलियन का सोना होने वाला है, और 350 मिलियन वैसे हमें पूरा का पूरा $400 मिलियन का ये जो है पूरा का पूरा आइलैंड जो दोस्तों मिलने वाला है। आपको क्या लगता है दोस्तों माफिया साहब को यहां पर $400 मिलियन का, जी हां दोस्तों $400 मिलियन का, $400 मिलियन मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों बिल्कुल भी कम रकम नहीं होती है, बहुत ज्यादा पैसे होते हैं दोस्तों $400 मिलियन। और $400 मिलियन की कोई चीज खरीदना मेरे हिसाब से तो दोस्तों बहुत ही बड़ी बात है, लिटरली दोस्तों बहुत बड़ी बात है, ठीक है। आज तक भाई ऐसा किसी ने किया नहीं है, ठीक है, माइकल दादा ने नहीं किया ना मैंने किया दोस्तों इतनी महंगी चीज़ खरीदते हुए। अब यहाँ पर भाई माफिया साहब ना बहुत ही अमीर आदमी है दोस्तों, तो अगर ये एक 400 मिलियन का इतना बड़ी सी जो लोकेशन खरीद भी लेंगे ना, तो इनके हिसाब से तो भाई इनको ज़रा सा भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मेरी AK-47 तो मैं यहीं पर खड़ी करके गया था, आई होप कि मुझे यहीं पर खड़ी हुई मिले, किसी ने उसके साथ छेड़छाड़ ना की हो। जी हाँ मेरी AK-47 दोस्तों यहीं पर खड़ी है, और उसका बंदे का जो हेलीकॉप्टर है वो हम बाद में वापस जो है दोस्तों भिजवा देंगे, ठीक है। अभी हम उसको क्या कर तो आया, तो बाद में वापस माफिया साहब ने कहा मैं खुद भिजवा दूंगा, तो कल हम जो है डील कंप्लीट करने वाले हैं दोस्तों। अभी फिलहाल माफिया साहब को भाई यहीं पर छोड़ने का जो वक्त आ गया है,
आ जाओ माफी साहब आ जाओ। और दोस्तों आप अब कमेंट करके बताना, अब सारी की सारी बात दोस्तों आपके ऊपर रह गई, ठीक है। क्या मैं अपनी AK-47 में यहाँ से दोस्तों चला जाऊंगा अभी, ठीक है। और माफी साहब भी यहाँ पर है क्या दोस्तों? ओ सॉरी 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 माफी साहब, गुस्सा मत हुआ करो यार, ठीक है। तो गाइज माफी साहब खुश है। तो यार गाइस AK-47 मेरी वो खड़ी है, मैं जाने वाला हूँ यहाँ से अपने घर, और बस यहीं पर वीडियो हम एंड करना चाहेंगे। आप एक बार कमेंट करके जरूर से बताइए कि $400 मिलियन का 350 मिलियन कैश और 50 मिलियन के यहाँ पर सोना हम देने वाले हैं। तो क्या हमें दोस्तों $400 मिलियन की वो जगह परचेज करनी चाहिए? क्या वो हमें उतना डबल कमा कर दे पाएगी जितना वो बंदा मांग रहा है या नहीं? एक बार दोस्तों प्लीज़ कमेंट करके जरूर से बताएगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, 20,000 लाइक का एम है, कंप्लीट करवा देना, और अपने भाई को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं आप सभी लोग, ठीक है। तो यार गाइस मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट ब्रांड न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।